नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पाकिस्तान से जला टिड्डी दल राजस्थान होते हुए वहां पर तबाही मचाने के बाद किसी भी वक्त हरियाणा में प्रवेश कर सकता है, ऐसी आशंकाएं जता रही है। और इसी के चलते राजस्थान से सटे हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है और जिला प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज को गलत बताया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में शाम तक टिड्डी दल का हमला होने की आशंका बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस संभावना को नकारते हुए बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखे जाने की बात कही, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उस दल को वहीं पर समाप्त कर दिया गया, इसलिए फतेहाबाद में फिलहाल टिड्डी दल के कोई हमले की आशंका नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि चूंकि टिड्डी दल हवा के प्रवाह के साथ चलता है, इसलिए वे अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि टिड्डियों के कई बड़े दल पाकिस्तान से होते हुए देश में दाखिल भी हो चुके हैं। टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए गांव, मंदिर, गुरुद्वारों और मस्जिदों में मुनवादी करवाई जा रही है। कृषि विभाग ने उन सभी किसानों को सूची तैयार कर उनको अलर्ट पर कर दिया है जिनके पास स्प्रे पंप है, ताकि आपदा के समय इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि टिड्डी दल बहुभक्षी और अंतर्राष्ट्रीय कीट है, जो कि सभी प्रकार की वनस्पति को काट कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। बताया जा रहा है कि टिड्डी दल हमेशा रात को फसल पर बैठता है और इसी से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। टिड्डी दल के बारे में हमने ग्राउंड लेवल पर कमेटियाँ बना रखी हैं और हम इसका प्रचार कर रहे हैं। गाँव में बुनियादी करवाई जा रही है कि वह टिड्डी जब भी आ सकती है तो आते ही इसके लिए हमने क्या सावधानी करनी है। हमने इनको बैठने नहीं देना फसलों पे, इनको ड्रम, ढोल, नगाड़े बजा के इनको उड़ाना है। और जब यहाँ रात्रि में जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ पे हमने इनको सामूहिक रूप से प्रयास करके इन पर स्प्रे करके इसको नियंत्रण में करना है। जैसे कि अभी आपकी जो टिड्डी दल है, कल हनुमानगढ़ ज़िले के आसपास इसको देखा गया था, और जब कल ये संभावना थी शायद ये फतेहाबाद के आसपास आ जाए हवा की डायरेक्शन को देखते हुए, लेकिन अभी हमने कल ही हमने वहाँ से रिपोर्ट ली थी कि उसको वहीं पर उसको नियंत्रित कर दिया गया है। आज फतेहाबाद में आने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी हमने सावधानी के रूप में हमारी जो टीम है सभी विजिलेंट हैं, हमारे ऑफिसर सभी लगे हुए हैं, हमने जो ब्लॉक लेवल पर भी दो दो अधिकारी लगा रखे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर हमें इसके बारे में सूचित कर रहे हैं। हमने भी जो एग्रीकल्चर विभाग है राजस्थान उसके साथ तालमेल कर रखा है और हमने हमारे हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में भी इस बारे में तालमेल कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी हमारा पूरी तरह से इस बारे में पूरा तालमेल है। हम पूरी तरह से सचेत हैं। क्लोरोपायरीफॉस जो दवाई है वो हमारे यहाँ स्टॉक हो चुकी है। हमने 10,000 लीटर के लिए जो डिमांड है हमने भेजी हुई है और जो काफ़ी मात्रा में आ गई है और वो हमारी वो स्टॉक हो जाएंगे। हमारी इस टीटी के जो रोकथाम के लिए हमारे पूरे प्रयासरत हैं, हमारी पूरी तैयारियां हैं। तो क्या गांव में जितने भी जो संसाधन हैं, ट्रैक्टर हैं और ये स्प्रे पंप हैं, ये भी सब लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी यूज़ हो सकते हैं? बिल्कुल, हमने गाँव लेवल पर इन ट्रैक्टर स्प्रे पंप की लिस्ट बना ली है और सभी किसानों से भी आह्वान कर रखे हैं कि आप अपने अपने ट्रैक्टर जो माउंटेड स्प्रे पंप है उसको भर के रखें। जैसे ही हमें टिड्डी हमारे यहाँ पर आती है या प्रकोप होता है तो हम सभी के साथ सामूहिक रूप से मिलके उनमें दवाई से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है शाम तक इसके आने की? अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है ऐसी कोई संशय नहीं है कि ये हमारे यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू। एक मैसेज मिला जी, साडे गवांडी राजस्थान के बीच टिड्डियां का बहुत बड़ा प्रकोप हो चुका, तो यह प्रकोप अज रात को उन्होंने मैसेज मिला भी फतेहाबाद जिले के भी बहुत बड़ा प्रकोप हो सकता, जिड़िया कि असं हम फसल बीज रखिया ने जिमें कि जमार नरमा अपन सब्जियां बीजिया हुई ने, सानू इन्हों टिड्डी तो बहुत ज्यादा खतरा। पहला साढ़े ये कणक के भी बहुत भैड़ा हमला करके किसान का बहुत नुकसान कर चुकी है। सरकार तो की मंग करते हो जी? सरकार तो अभी यही मंग करते हैं कि अपने जोड़े खेतीबाड़ी वैज्ञानिक ने वो चंकी तो चंकी यदि मेडिसिन तैयार करना, जी किसान फ्री के वंडन, किसान जो ये टिड्डी का प्रकोप है उस दवाई उस इलाज कर सकी। किसान पहला ही बहुत ज्यादा दुखी आ, क्योंकि किसान पहला कणक के उत्ते टिड्डी की मार पई, तो हूँ जो टिड्डी की मार तो बाद किसान ने फसल अपनी मंडिया के बेची आ, अज तो 20 तरीक की 20 अप्रैल की जी फसल बेची हुई आज 28 मई होगी, अज तक सानू हाल तक साढ़े खाते च पंजी नहीं आई,
कोई पैसा नहीं आया तो उधरों बैंक का बार बार फोन आ रहा किसानों को कहते तुम आदि ब्याज भरो अपना लिमिट भरो किसान पैसों के कुछ नहीं गर्मे की फसल बीज रखी है वो एक बार उसकी मिट्टी बाहर निकल गई है उसको भारी नुकसान होने की संभावना है जैसे हमने हरा चारा बीज रखा उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्या चाहते हैं जी हम तो सरकार कुछ करें हमारे लिए किसानों के लिए। हमें पहले ये लॉकडाउन में किसान बहुत तरह बुरी तरह फंस गया फसलों के रेट नहीं मिल रहे अब ये टिड्डी दल की मार होगी तो बहुत बुरा हालत हो जाएगी किसान की।